guys, welcome back to my channel. It's Tina here and बहुत time के बाद मैं video बना रही हूँ, so अच्छा लग रहा है finally. So आज का जो topic है वो सरोजिनी नगर के बारे में है. And सरोजिनी नगर के बारे में तो सारे ही जानते हैं mostly, ठीक है. लेकिन एक चीज के बारे में जो बहुत लोगों को doubt रहता है वो है मंडे मार्केट. जो सरोजिनी नगर का मंडे मार्केट है उसके बारे में लोग सोचते हैं कि सरोजिनी नगर मंडे को बंद रहता है, वहां पे शॉप्स नहीं खुलती हैं. और मैं एक्चुअली कुछ ही टाइम पहले दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ. पहले मैं दिल्ली नहीं रहती थी, तो मेरा पहला तो यही था कि मुझे सरोजिनी में शॉपिंग करनी, वो भी ढेर सारी, ठीक है. और मैंने जिसको भी पूछा तो सबने मुझे यही बोला था कि मंडे को बंद रहता है. लेकिन मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें मंडे मार्केट में दिखाते हैं कि 10 रुपये में चीज़ मिल रही है, 20 रुपये में चीज़ मिल रही है. तो मैं खुद एक्चुअली गई मंडे को, एक नहीं दो नहीं तीन बार. एंड देन फाइनली मुझे पता चला रियलिटी ऑफ सरोजिनी नगर मंडे मार्केट. आपके साथ शेयर करती हूँ अभी. वैसे तो मैं अभी भी हेड टू टो यू नो सरोजिनी नगर के ही पीसेस में तैयार हो रखी हूँ. यू नो पीसेस, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, कुछ भी बोलिए, पर ये सारी चीज़ें मैंने मंडे को नहीं खरीदी. और अगर मंडे को खरीदी भी थी तो भी ये 10-20 रुपये वाली चीज़ें नहीं है. तो आज हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मैंने 10 या 20 रुपये में ली. कैन यू इमेजिन. सो दिस इज द फर्स्ट पीस. लुक एट दिस, इज सो क्यूट. द छोटू सा कोट है ये और काफ़ी यू नो लूज काइंड ऑफ फिटिंग का छोटा सा कोट है जो कि बहुत ही क्यूट लगा मुझे. और इसका कलर बहुत सुंदर था. और कैन यू इमेजिन ये मुझे कितने में मिला? ओनली 10 रुपीज. सिर्फ 10 रुपये में मिला है मुझे ये. इसकी शॉर्ट स्लीव्स है, बैलून काइंड ऑफ यू नो लूज. बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये. और कैन यू इमेजिन जब मैं इसको पहन के गई थी अपनी वर्क प्लेस पे तो सब मुझे बोल रहे थे बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है. मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने किसी को बोला भी नहीं कि सिर्फ 10 रुपये का, मतलब 10 रुपये का कौन पहनता है. और लोग ये भी बोले कि स्मार्ट लग रहा है, पर एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट लग रहा था. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो दिस इज द नेक्स्ट पीस. एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. एंड गेस वॉट, ये वाला 20 रुपीज का है, विच इज अगेन अमेजिंग, इनसेन. मतलब ये पहला पीस था जो मुझे 20 रुपये का मिला था, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था. और एक्चुअली इट्स क्वाइट गुड, यूनिक. मतलब काफ़ी यूनिक सा है. मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पोचू, पोचू तो बन सा होता है या श्रग काइंड ऑफ कोट, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, बट दिस इज वेरी नाइस. सो दिस इज द नेक्स्ट पीस. एंड एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्मार्ट कोट काइंड ऑफ अ पीस. एंड काफ़ी यू नो शोल्डर पैड्स है इसमें, बटन डिटेलिंग है, मतलब प्रेस नहीं कर रखा मैंने बिल्कुल भी. और ये वाला मुझे मिला 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये में. पर हाँ, आप इसको पूरी ठंडी में नहीं पहन सकते, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, दिसंबर जन के टाइम पे नहीं. लेकिन हाँ, हल्की ठंडी में लाइक नवंबर फैब में इज लाइक वेरी कूल एंड वेरी स्मार्ट पीस. लेट मी शो. सो दिस इज द लास्ट पीस दैट आई गॉट ऑन मंडे. क्योंकि वैसे तो मैंने सरोजिनी से बहुत सारी शॉपिंग की है. मतलब ये भी एक्चुअली कोट से काफ़ी मैच कर रहा था, काइंड ऑफ लॉन्ग टॉप जैसा है. एज अ ड्रेस यू कांट वेयर इट बिकॉज नॉट दैट लॉन्ग, बट इफ यू कैन कैरी यू कैन कैरी. एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली मैं इसका क्या करूँगी पहले तो, और अभी तक मैंने इसको पहना भी नहीं है. बट 10 रुपये में मिल रहा था तो मैं चाचा घर जाके सोच लूँगी कि इसका क्या करना है. एंड देन मुझे ब्लेजर मिल गया. एंड मैं लाइक इसके साथ हो सकता है कुछ, कुछ हो सकता है इसका. वेरी गुड. होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी पहले मंडे मार्केट के बारे में. लेकिन अब मुझे पता है दिस इज द राइट टाइम टू गो इन सरोजिनी. एंड शाम के टाइम पे मैं गई थी 5-5:30 के अराउंड, और मुझे उस टाइम पे मतलब इतनी भीड़ नहीं थी कि बहुत मुश्किल हो रहा हो ढूंढने के लिए स्टाफ. ठीक है, नीचे ढेर लगे हुए थे, लेकिन मेरे को मिल गई थी चीज़ें आसानी से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती कि ढेर में घुसे रहो, वो मुझसे नहीं होता. तो अगर आप भी इसी तरह के हैं और आपको फिर भी 10-20 रुपये में चीज़ें चाहिए तो मिल सकती है. यू कैन गो देयर एंड मतलब अपने पैसे बचा लो, खाना खाओ उस चीज़ का. मतलब जितने भी पैसे बचे थे देन हम खाना खाने गए थे बाहर, दैट वॉज अमेजिंग. वैसे भी चले जाते बट दैट वॉज अमेजिंग. सो दिस इज ऑल फॉर दिस टाइम. आई होप यू लाइक इट. And please like, share and subscribe and miss you all seriously a lot.